एंकर खबर गोंडा से है। नवाबगंज क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठ गया और यह कहने लगा कि जमीन हमें मिलेगी तभी हम नीचे उतरेंगे। जी आपको बताते चले, गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति आज मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठ गया और यह कहने लगा, हमारी जमीन को जिन लोगों ने कब्जा किया है जब छोड़ेंगे तभी हम नीचे उतरेंगे। इस पर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन के पहुंचने पर आश्वासन दिया गया कि आप नीचे उतरे, आपकी जमीन की पैमाइश कराई जा रही है। इस पर वो राजी हुआ और नीचे उतरा। वहीं चकबंदी विभाग और रेवेन्यू के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जमीनों का नाप चालू करवाया। वहीं विपक्षी का कहना है कि जितनी जमीन इसको मिलनी चाहिए थी उससे भी अधिक इस व्यक्ति को मिला हुआ है। उसके बाद भी लोगों के बहकावे पर यह व्यक्ति इस तरह से हरकत करता है कि उसको और जमीन मिल जाएगी। इससे पहले भी वह कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है और प्रशासन अपना काम सही तरह से कर रहा है और बार बार सबको परेशान होना पड़ता है। वहीं विपक्षी का आरोप है इन सब चीजों के पीछे मंत्री जी का सह है। वहीं जब रजन नाम के व्यक्ति जो टावर पर चढ़ा हुआ था उससे जब इस मामले पर बात किया गया तो उसका कहना है, इससे पहले भी एक बार मैं टावर पर चढ़ा था और प्रशासन के लोग आए थे और फसल हमको दिला दिए थे। वहीं भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर रमापति शास्त्री को अपना मामा बताया। इस बात की जानकारी करने के लिए जब समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री से जब इस मामले पर बात किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मंत्री हूँ इसलिए सब मुझे अपना रिश्तेदार बताते हैं जबकि मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है। सीओ चकबंदी विभाग का कहना है कि जमीन की पैमाइश कराई जा रही है, इनकी जमीन को नाप कर अलग कर दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। बाइक सीओ चकबंदी, बाइक रजन टावर पर चढ़ने वाला, बाइक दया शंकर यादव, बाइक ललन सिंह। कितनी बार चढ़ चुके हैं? इससे पहले भी आप चढ़ चुके हैं सर? एक बार ये दूसरी बार फिर पैमाइश हुई थी नहीं सर, वो परमाइश नहीं, सिर्फ 16-18 का मेड़ का विवाद है, यह है 14 दिन भाई लाइन के लिए नहीं था। अच्छा, इस टावर पर चढ़ने से पहले आप कहीं जिला प्रशासन के पास गए थे, किसी अधिकारी के पास या कहीं अपनी गुहार लगाए? सर बहुत गान वहाँ लखनऊ गान दयान कागज और यहीं उधर खा। तुलसीपुर माझा गांव में एक युवक जो है वो टावर पे चढ़ा था, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस पर पुलिस या राजस्व कार्रवाई कर रही है? ये 3516 चकबंदी बाहर घाटा है जी, और 3318 में कुछ मूल्यांकन लगा है, कुछ अभी भी बाहर है जी, उसी की मेड क्लियर होना है। 3316-3318 के बीच की मध्य की मेड, वही पैमाइश हो रही है। दूसरे पक्ष का ये टावर पर चढ़े थे उनका 3316 में है और जो दूसरे लोग हैं उनका 3318 में है, मेड क्लियर हो जाएगी तो दोनों लोगों का विवाद। तो सर लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये पैमाइश से आज पहली नहीं है, लोग बता रहे हैं कि 14 बार पैमाइश हो चुकी है। इसके पहले भी पैमाइश हुई थी लेकिन अब लोग संतुष्ट नहीं हुए इसलिए दोबारा आज पैमाइश हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या कि राजस्व अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है क्या? नहीं, तहसील राजस्व इसीलिए पहले जो नापी थी वो राजस्व केवल चकबंदी वाले नापे थे, अब चूंकि ये चकबंदी पृथक घाटा है तो आज तहसील वाले लोग भी आए हैं, दोनों टीम पैमाइश कर रही है। कहीं ना कहीं टावर पे चढ़ना भी तो गलत है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो जो विधि कार्रवाई है वो होगी। नहीं, आखिर पुलिस तो भी इस पे कुछ करेगी ना, जिस तरीके से वो प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, उसे खुद कहा है कि एक बार वो पहले भी चढ़ चुका है। अरे तो पुलिस विभाग का काम है क्या? प्रशासन कहीं मंत्री जी के दबाव पे तो काम नहीं कर रहा है, वो स्वयं ही कह रहे हैं।